बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित सीनियर स्टेट कबड्डी मुकाबले का मंगलवार को शानदार समापन हुआ। महिला वर्ग में साई हॉस्टल धर्मशाला और पुरुष वर्ग में सोलन चैंपियन रहा। प्रतियोगिता में महिला वर्ग का पहला सेमीफाइनल स्टेट हॉस्टल और सिरमौर के बीच हुआ, जिसमें स्टेट हॉस्टल की टीम विजय रही। दूसरा सेमीफाइनल साई हॉस्टल धर्मशाला और सीड़ा अकादमी मंडी के बीच हुआ, जिसमें साई हॉस्टल विजेता रहा। महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में साई हॉस्टल धर्मशाला ने स्टेट हॉस्टल को 38-32 के अंतराल से पराजित कर विजेता ट्रॉफी हासिल की। उधर लड़कों के पहले सेमीफाइनल मैच में सोलन ने चंबा को और दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऊना ने साई हॉस्टल को पराजित किया। लड़कों का फाइनल मुकाबला बेहद रोचक रहा, जिसमें सोलन ने ऊना को 32-31 मात्र एक अंक के अंतराल से पराजित किया। समापन समारोह में प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार ब्रांटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विजेता रही टीमों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिला कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान अमित कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन सफल तरीके से हुआ। इस मौके पर प्रदेश सचिव रतन लाल ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय कोच कृष्ण सुरेंद्र सहित अन्य पदाधिकारी व लोग मौजूद रहे। कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान साहब को और उनकी सारी टीम को कि उन लोगों ने जो ये यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजित करवाया उसके लिए मैं यहाँ पर जो है हमीरपुर कबड्डी एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय लोगों का, जिन लोगों ने जो है एसोसिएशन का जो हमारा कबड्डी एसोसिएशन का ये टूर्नामेंट हुआ इसके लिए जिन लोगों ने सहयोग किया उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल कबड्डी आज पूरे भारतवर्ष में बहुत हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमारा हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। और अभी जैसा कि आपको मालूम है, मेरे ख्याल बताया होगा जनरल सेक्रेटरी साहब ने, अभी हमारे 5 बच्चे हिमाचल प्रदेश के, जिसमें कि 3 लड़के और 2 लड़कियां, अभी इंडिया कैंप में है। अभी इसी महीने जो है ईरान में कबड्डी का एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए जो है हमारे 5 बच्चे भी इंडिया कैंप में हैं। और भविष्य में हम ये चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हमारे इंडियन टीम में खेलें, और यहीं से जो है हमारे बच्चे अभी जैसा प्रो कबड्डी में आपने देखा हमारे 8 बच्चे हमारे जो है अभी जो प्रो कबड्डी हुई उसमें पार्टिसिपेट किया, तो भविष्य में भी यहाँ पे अच्छा स्कोप है। सारे हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं, कोचिज हैं, सारे लोग दिन रात मेहनत करके कबड्डी के जो कबड्डी का ये स्तर है इसको ऊपर उठाने का सब प्रयास कर रहे हैं। जो सिलेक्शन होगी इसके बाद सीनियर नेशनल हमारे जो हैदराबाद में होगी, ये 31 से 4 जनवरी तक वहाँ पे जो है नेशनल सीनियर नेशनल होगी, जिसमें जो कि भारत के सारे जितने भी आपने बड़े बड़े जो प्लेयर्स स्टार प्लेयर्स हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। हिमाचल की टीम से मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो टीम है वो अच्छा खेलेगी और वहाँ पे अवश्य हिमाचल को जो है पदक दिलवाएगी।